फ्रेंड्स मैं स्विच को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने स्विच को ऑन कर दिया फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं रूम का लाइट बंद करके आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जैसे ही रूम का लाइट फ्रेंड्स बंद कर दिया है तो फ्रेंड्स हमारा लाइट है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक फ्रेंड्स ग्लो करने लगा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स बाहर तो फ्रेंड्स धूप है नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं टॉर्च की लाइट इस सोलर पैनल पे फ्रेंड्स मारता हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो ये लाइट है वो फ्रेंड्स ऑफ हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैं टॉर्च को बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स हमारा जो लाइट है वो ग्लो करने लगा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं मेरे पास एक पावरफुल सोलर पैनल है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इस सोलर पैनल का यूज़ करके एक पावरफुल ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट सर्किट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फ्रेंड्स पहले से सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं अभी सर्किट बना के आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें कुछ कंपोनेंट चाहिए तो अभी कंपोनेंट मैं अभी एक एक करके आपको फिलहाल दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले हमें चाहिए एक ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर का मॉडल नंबर है फ्रेंड्स PC547। अभी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं PC547 ट्रांजिस्टर है। तो फ्रेंड्स आज हम इस ट्रांजिस्टर का यूज़ करके एक पावरफुल सोलर एमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिस्टर का अगर मैं इससे पकड़ता हूँ तो फ्रेंड्स ये जो फास्ट वाला लेग है ट्रांजिस्टर का ईमीटर, ये बीच वाला पिन है ट्रांजिस्टर का बेस और ये लास्ट वाला पिन है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर। फ्रेंड्स हमें एक ट्रांजिस्टर चाहिए और फ्रेंड्स हमें एक रजिस्टर चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं एक 1K का रजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हमें एक डायोड चाहिए जिसका मॉडल नंबर है IN4007 डायोड। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक लिथियम आयन बैटरी। आप मोबाइल की बैटरी और टॉर्च की बैटरी भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक 4 वोल्ट का कोब एलईडी लाइट। फ्रेंड्स ये एलईडी लाइट बहुत पावरफुल है। तो फ्रेंड्स आप इस कोब एलईडी लाइट की जगह पर आप ये वाला लाइट भी फ्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हीं सब चीज़ों से मैं एक पावरफुल एमरजेंसी लाइट सर्किट बनाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक स्विच भी लगाने वाला हूँ। ये एक स्विच है तो फ्रेंड्स आप इसकी जगह SPST स्विच भी यहाँ लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल ये सब चीज़ों से मैं एक ऑटोमेटिक सोलर एमरजेंसी लाइट सर्किट बनाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फिलहाल ये सबको मैं साइड में फ्रेंड्स रख देता हूँ फिलहाल। तो फ्रेंड्स पहले मैं अभी सोलर पैनल पे ये जो डायोड है IN4007 इससे मैं सोल्डिंग करके आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ। पहले मैं सोलर पैनल को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो डायोड है इसे मैं आपको बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये डायोड का जो सिल्वर कलर का साइड है वो डायोड का नेगेटिव है, जो ब्लैक कलर का साइड है ये डायोड का पॉजिटिव है। तो चलिए फ्रेंड्स हमें सोलर पैनल का जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है यहाँ पे मैं इस डायोड को सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स डायोड का जो सिल्वर कलर का साइड है उसे हमें सोलर पैनल के नेगेटिव में सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इसे यहाँ पे इस तरह से सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने डायोड को यहाँ पे इस तरह से सोल्डिंग कर दिया है। डायोड का जो सिल्वर कलर का साइड है उसे मैंने सोलर पैनल के नेगेटिव में सोल्डिंग कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अभी ये जो BC547 ट्रांजिस्टर है आप देख सकते हैं, जो BC547 ट्रांजिस्टर है इसे अब मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रांजिस्टर का फ्रेंड्स ये फास्ट वाला लेग है ट्रांजिस्टर का है ईमीटर, ये बीच वाला पिन है बेस और लास्ट वाला कलेक्टर। तो फ्रेंड्स कलेक्टर पर मैं अभी इस डायोड को सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमें ट्रांजिस्टर में एक 1K का रजिस्टर लगाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं ये जो 1K का रजिस्टर है आपको लगा के फ्रेंड्स दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इस रजिस्टर को भी यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स रजिस्टर का हमें एक लेग को
ट्रांजिस्टर के बीच बेस में फ्रेंड्स सोल्डिंग करना है ट्रांजिस्टर के बीच वाले पिन में, और जो दूसरा वाला रजिस्टर का फ्रेंड्स पिन है उसे हम इस डायोड पे सोल्डिंग करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे इस तरह से सोल्डिंग कर देता हूँ। और फ्रेंड्स ये रजिस्टर का जो और एक पिन है उसे मैं इस डायोड पर यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इस तरह से रजिस्टर को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो एलईडी लाइट का फ्रेंड्स जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे हम इस सोलर पैनल के पॉजिटिव में सोल्डिंग करने वाले हैं, और जो नेगेटिव वाला वायर है इस लाइट का उसे हम ट्रांजिस्टर के ई मीटर पर सोल्डिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने लाइट का नेगेटिव वायर ट्रांजिस्टर पर सोल्डिंग कर दिया है फ्रेंड। लाइट का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे अब मैं सोलर पैनल पर फ्रेंड सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने लाइट के भी फ्रेंड दोनों वायर फ्रेंड सोल्डिंग कर दिया है फ्रेंड्स। तो चले फ्रेंड्स अब मैं बैटरी के दोनों वायर आपको सोल्डिंग करके फ्रेंड्स दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स बैटरी के कनेक्शन आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो बैटरी का नेगेटिव वाला वायर है उसे हमें फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर के ये जो कलेक्टर वाला पॉइंट है यहाँ पे सोल्डिंग करना है फ्रेंड्स। मैं अभी सोल्डिंग कर देता हूँ बैटरी का पॉइंट। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने बैटरी का नेगेटिव को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो दूसरा वाला वायर है फ्रेंड्स इस दूसरे वाला वायर को फ्रेंड्स अब मैं स्विच पे फ्रेंड्स सोल्डिंग करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब मैं स्विच पे फ्रेंड्स सोल्डिंग कर देता हूँ इस वायर को। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैंने बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर को मैं स्विच पे सोल्डिंग कर दिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स स्विच का जो दूसरा वायर है उस दूसरे वायर को फ्रेंड्स मैं सोलर पैनल के पॉजिटिव में फ्रेंड्स सोल्डिंग करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड मैंने सोल्डिंग कर दिया, मैं इसे भी साइड में फ्रेंड फिलहाल रख देता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं जो हमारा ऑटोमेटिक सोलर एमरजेंसी लाइट सर्किट है तो फ्रेंड्स वो बन गया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं टेस्टिंग करके आपको फ्रेंड्स दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सर्किट कैसे काम करेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। ये जो हमारा सर्किट है तो फ्रेंड्स ये दिन के समय तो फ्रेंड्स लाइट ऑफ रहेगा, और फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स रात हो जाएगी फ्रेंड्स हमारा ये सर्किट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा फ्रेंड्स, और लाइट फ्रेंड्स ग्लो करने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं स्विच को यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमने स्विच को ऑन कर दिया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मैं रूम का लाइट बंद करके आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने जैसे ही रूम का लाइट फ्रेंड्स बंद कर दिया है तो फ्रेंड्स हमारा लाइट है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक फ्रेंड्स ग्लो करने लगा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, बाहर तो फ्रेंड्स धूप है नहीं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं टॉर्च की लाइट इस सोलर पैनल पर फ्रेंड्स मारता हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा जो ये लाइट है वो फ्रेंड्स ऑफ हो गया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे मैं टॉर्च को बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स हमारा जो लाइट है वो ग्लो करने लगा है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जैसे मैं फिर से टॉर्च मारता हूँ अब देख सकते हैं हमारा जो लाइट है फ्रेंड्स वो ऑफ हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं टॉर्च को भी बंद कर देता हूँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं लाइट को फ्रेंड्स ऑन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे सर्किट ऐसे काम करता है कि ये सोलर पैनल पर जब तक धूप पड़ेगी फ्रेंड्स हमारा जो सर्किट है वो ऑफ रहेगा। फ्रेंड्स जैसे ही हमारे इस सोलर पैनल धूप नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स हमारे ये जो लाइट है फ्रेंड्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो फ्रेंड्स कमेंट करके हमको बताए फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और एक न्यू फ्रेंड वीडियो में।